आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम फॉक्स प्रो में क्रिएट कमांड के बारे में देखेंगे। क्रिएट कमांड डाटाबेस फाइल बनाने के लिए सबसे पहली कमांड होती है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का प्रयोग नई डाटाबेस फाइल बनाने के लिए किया जाता है। क्रिएट के साथ उस फाइल का नाम लिखना आवश्यक होता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए, ये है क्रिएट, देन फाइल का नाम। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्रिएट और राम, ये फाइल का नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फाइल का नाम लेना चाहते हैं। अगर आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, नई फाइल बनाना चाहते हैं, उस नाम से बना सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये फाइल का नाम क्या होगा। तो क्रिएट कमांड का जो बनती है हमारी कमांड, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .dbf होता है। ठीक है, डाटाबेस फाइल का फाइल एक्सटेंशन .dbf होता है। क्रिएट कमांड का जैसे हम ये प्रयोग करते हैं, इसके बाद हमको टेबल डिजाइनर नाम का विंडो प्रदर्शित होता है, जो कि ये आपके सामने दिख रहा है, जिसमें आपको नेम, टाइप, विड्थ, इंसर्ट, डिलीट, कैंसल, ओके, ये सारे बटन आपको दिख रहे हैं। लेकिन बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। क्रिएट कमांड से हमारा टेबल डिजाइनर से हमारा बेसिकली एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो कि जिसके बाद हम किसी डेटा की एंट्री करके एक कंप्लीट डाटाबेस का निर्माण करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास नेम है। नेम मीन्स उस फील्ड का नाम, जिस फील्ड का नाम आप देना चाहते हैं, फील्ड का नाम आप नेम के अंदर लिखते हैं। देन टाइप में उसमें आपको किस तरह का डेटा टाइप की आवश्यकता है, आपको कैरेक्टर की आवश्यकता है, न्यूमेरिक की आवश्यकता है, फ्लोट की आवश्यकता है, जिसकी भी आवश्यकता है उसका आप प्रयोग करते हैं। विड्थ, देन इसकी आपको विड्थ कि आप कितनी चौड़ाई तक का डेटा उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, वो विड्थ होती है। देन ये मान लीजिए हम इसमें एक ही टेबल में आपका एक फील्ड को तैयार कर रहे हैं, देन इसमें हम ऐसे ही दूसरे फील्ड को तैयार करते हैं, वैसे ही तीसरे फील्ड को तैयार करते हैं। देन आपका एक बेसिकली देखिए, टेबल डिजाइनर में अगर हम किसी भी फील्ड को बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले नेम में आपका जो भी फील्ड का नाम आप लिखना चाहते हैं, फील्ड नेम लिखिए। हमने यहाँ एसटीयू नेम मतलब स्टूडेंट नेम के लिए हमने ये फील्ड को निर्माण कर रहे हैं। देन इसके लिए हमने क्या लिया है, कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर के साथ हमने 20 की विड्थ ली है। ऐसे ही अगर हम और भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो ये कुछ किस तरह से ऐड होगी आपके। जैसे मान लीजिए एज नाम का कोई फील्ड लेना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे, न्यूमेरिक फील्ड ले लेंगे और मान लीजिए इसकी विड्थ हमने 3 ले ली। तो इससे ये हमारा डिसाइड हो जाएगा कि इस फील्ड के अंदर हमारे किस तरह के डेटा की एंट्री होनी है। टाइप हमारा यही बताता है कि किस तरह का हमारा डेटा टाइप इसके अंदर इंटर करेगा। देन इसके बाद आपका जैसे ही फील्ड नेम का आपका काम कंप्लीट होता है, मीन्स जो कि आपके फील्ड नेम का नाम मीन्स आपके टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है तो इस टेबल के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से आपको ये बन जाता है। इस तरह से ये खाली एक स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। अब हमको मेन काम करना है इसके अंदर एंट्री करने की। तो जैसे ही ये सारे काम कंप्लीट होते हैं, हम यहाँ से ओके बटन का यूज करते हैं। ओके बटन का जैसे ही हम यूज करते हैं तो हमको क्या होता है, डेटा की एंट्री करने के लिए एक मैसेज पास होता है। मैसेज पास होता है, उस मैसेज में हम यस आर नो का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप तत्काल डेटा की एंट्री करना चाहते हैं तो आप यस का ऑप्शन का प्रयोग करें, देन उसके बाद आप उसमें डेटा की एंट्री करें और कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करके उसे फिर देखना हो तो देख सकते हैं।